दोस्तों आईपीएल 2021 की मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों की कंफर्म रिटेन और रिलीज लिस्ट घोषित हो चुकी है। कुछ टीमों ने सिर्फ 4 से 5 प्लेयर्स को रिलीज किया है और कुछ टीमें 8 से 10 प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी है और आईपीएल 2021 में एक नई शुरुआत करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 की ऑक्शन से पहले आरसीबी सीएसके जैसे टीमों ने सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिलीज किए हैं और नीलामी में जरूरत के हिसाब से प्लेयर्स खरीदने वाली है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों की सलामी बल्लेबाज यानी कि ओपनिंग बैट्समैन के बारे में बताने वाला हूं। टीमों के पास कौन कौन से ओपनिंग बल्लेबाज मौजूद है और कौन से 2 प्लेयर्स को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बारे में, तो इस टीम ने इस साल टोटल 7 प्लेयर्स को रिलीज कर दी है और 53 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली है। तो ऑक्शन में पंजाब की टीम ओपनर्स के पीछे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी क्योंकि टीम में ऑलरेडी 3 खतरनाक ओपनर मौजूद है जो कि है केएल राहुल, क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। तो आईपीएल 2021 में पंजाब टीम के तरफ से हम लोगों को इन तीनों में से किसी 2 प्लेयर्स को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम ने टोटल 7 प्लेयर्स को रिलीज कर दी है और 9 करोड़ लेकर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। तो दोस्तों दिल्ली टीम की ओपनर्स के बारे में बात करें तो इस टीम के पास शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और मार्कस स्टोइनिस जैसे काफी खतरनाक ओपनर्स मौजूद है। तो दिल्ली टीम को आईपीएल 2021 में कोई भी ओपनिंग बल्लेबाज की जरूरत नहीं है और दिल्ली कैपिटल्स टीम से हमें शिखर धवन के साथ मार्कस स्टोइनिस या तो पृथ्वी शॉ को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें एसआरआई यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो दोस्तों हैदराबाद टीम ने सिर्फ 5 प्लेयर्स को रिलीज किए हैं और 5ों प्लेयर्स इस टीम का बैकअप प्लेयर्स थे। इसका मतलब हैदराबाद की टीम बिल्कुल सेम टीम है, नीलामी में 10 करोड़ 75 लाख रुपए लेकर हिस्सा लेने वाली है और बैकअप प्लेयर्स खरीदने वाली है। तो हैदराबाद टीम में सबसे खतरनाक ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है जो कि है डेविड वार्नर और जॉनी बेस्तो। लेकिन दोस्तों अगर आईपीएल 2021 की प्लेइंग 11 में जॉनी बेस्तो को मौका नहीं मिलता है तब डेविड वार्नर के साथ रिद्धिमान शाह को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टीम के बारे में बात करें जो कि है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, तो दोस्तों सीएसके ने इस साल टोटल 8 प्लेयर्स को रिलीज किया है जिनमें उनका भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन भी मौजूद है। जी हां दोस्तों, शेन वाटसन रिटायरमेंट ले चुके हैं और सीएसके टीम के पास अभी 22 करोड़ 90 लाख रुपए बचा हुआ है। तो सीएसके टीम को एक विदेशी ओपनर की सख्त जरूरत है, पर दोस्तों सीएसके के पास करंट स्क्वाड में 3 खतरनाक सलामी बल्लेबाज मौजूद है जो कि है फैब डुप्लेसी, सैम कुरान और ऋतुराज गायकवाड। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आईपीएल 2021 में सीएसके टीम से हम लोगों को फैब डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टीम के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं आईपीएल रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के बारे में, तो केकेआर ने इस साल सिर्फ 5 प्लेयर्स को रिलीज किए हैं और नीलामी में 10 करोड़ 75 लाख रुपए लेकर हिस्सा लेने वाली है। तो केकेआर टीम में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि काफी सारे ओपनर्स मौजूद है। आईपीएल 2020 में केकेआर टीम ने बहुत सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुकी है। इस टीम में ओपनर्स के रूप में शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण, नीतीश राणा और टीम सेफर्ट मौजूद है। सुनील नारायण ओपनिंग में उतना खास नहीं दिखे और इस साल केकेआर टीम को सबसे खतरनाक विदेशी सलामी बल्लेबाज टीम सेफर्ट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, टीम सेफर्ट अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और आईपीएल 2021 में हम लोगों को शुभमन गिल और टीम सेफर्ट को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। अगर शुभमन गिल को नंबर 3 में भेजा जाता है तब टीम सेफर्ट के साथ राहुल त्रिपाठी को भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं केकेआर इस साल एक भारतीय ओपनर्स को नीलामी में टारगेट करेगी और इसके लिए विवेक सिंह के साथ ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुकी है। उसके बाद बात करें मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, तो मुंबई टीम में भी 4 खतरनाक ओपनर्स मौजूद है जो कि है रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्रिस लिन और क्विंटन डिकॉक। तो मुंबई ने इस साल टोटल 7 प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी है और 15 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। तो मुंबई टीम किसी भी ओपनर्स के पीछे नीलामी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी क्योंकि टीम में इतने सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है
जिनमें से रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक को आईपीएल 21 में ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में, तो राजस्थान की टीम ने कप्तान स्टीव स्मिथ को रिलीज करके सभी को चौंका दिया है और संजू सैमसन को नया कप्तान बनाया गया है। राजस्थान की टीम ने इस साल टोटल 8 प्लेयर्स को रिलीज कर दी है और 34.85 करोड़ रुपए लेकर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। आईपीएल 20 की अगर बात करें तो रॉबिन उथप्पा और बेल स्टोक को काफी सारे मैचों में ओपनिंग करते हुए देखने को मिला था, पर दोस्तों रॉबिन उथप्पा आईपीएल 21 की नीलामी से पहले सीएसके टीम में ट्रेड हो चुके हैं, तो राजस्थान की टीम नीलामी में एक अच्छा खासा ओपनर्स के पीछे इंटरेस्ट दिखाएगी। फिलहाल तो राजस्थान टीम के तरफ से हम लोगों को जॉस बटलर और बेन स्टोक को आईपीएल 21 में ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकता है। और आखिर में दोस्तों आरसीबी टीम के बारे में बात करें तो आरसीबी ने इस साल सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिलीज कर चुकी है। आरसीबी ने टोटल 10 प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और 35.70 करोड़ रुपए लेकर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। आईपीएल 20 की अगर बात करें तो आरसीबी टीम के तरफ से हम लोगों को एरोन फिंच और देवदत्त पटिकल को ओपनिंग करते हुए देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों एरोन फिंच इस साल रिलीज हो चुके हैं, तो आरसीबी नीलामी में एक बढ़िया विदेशी सलामी बल्लेबाज को टारगेट करने वाली है। तो आरसीबी इस साल जेसन रॉय के पीछे जा सकती है और अगर जेसन रॉय को खरीद लेती है तो तब आईपीएल 21 में हम लोगों को आरसीबी टीम से जेसन रॉय और देवदत्त पटिकल को ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों का ओपनिंग बल्लेबाजों का नाम। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट टीम कौन सा है और उस टीम का सलामी बल्लेबाज कौन कौन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।